हे गाइस, वेलकम टू हिमाक्षी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आ चुके हैं हम एक नए टॉपिक से। तो थंबनेल आपने जो देखा वो सही बात है, आपने भी देखा होगा रात के समय जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कई जगह होस्ट होता है। और उसको नहीं उतारा जाता, उसमें एक लॉ है जो ये चीज़ को अलाउ करता है कि आप झंडे को रात भर भी फहरा सकते हैं बिना किसी इश्यूज़ के। तो ये जो कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई 2002 में, जब नवीन जिंदल जी ने, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने जब रात उन्होंने बहुत बड़ा एक फ्लैग लगाने की बात कही मिनिस्ट्री से, और जो बड़े फ्लैग्स को बार बार उतारना सनसेट और सनराइज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री से कि क्या कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जो 100 मीटर्स एंड अबव और बड़े जो फ्लैग्स हैं तो उनको लगाने के लिए बार बार उसको उतारना और फ्लैग होस्ट करना सुबह पॉसिबल तो था नहीं। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मिनिस्ट्री से कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो उसमें कुछ उन्होंने लंबी फाइट लड़ी उसको लेके। तो उसमें ये सामने आया कि आप रात को भी फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लैग पे प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए उस पर, और ज़रा सा भी अगर स्लाइड सा भी उसमें वियर एंड टीयर हुआ तो उस फ्लैग को तुरंत रिप्लेस किया जाएगा। तो इलाहाबाद ने भी माघ मेला के समय, जब पिछली बार कुंभ था, यहाँ पे कई डेवलपमेंट वर्क्स हुए, और उसके साथ साथ कुंभ में भी फ्लैग्स कई जगह लगाए गए, कई रिनाउंड प्लेसेस पे लगाए गए। तो इससे अभी हाल में दिसंबर का कुछ टाइम था ऐसा, तो मैंने देखा कि कई जगह फ्लैग्स जो थे वो फट चुके थे, और उस पे साइड से थ्रेड निकला हो या फट गया था हवा से चलते चलते, नेचुरल कॉज नेचर से ही वो फटते हैं, ऐसे नहीं फटते। तो मैंने आईनेक्स के थ्रू उसको रेज किया, उसको ये कहा गया, हमने कहा कि सोशल मीडिया पे ना उठा के इसको आप सीधा संबंधित अधिकारी को भेज दीजिए, जिससे विद इन वन वीक के अंदर ही जो फ्लैग्स थे, जितने भी इलाहाबाद में फ्लैग्स थे, वो सारे डाउन कर लिए गए और उनको नए फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये बहुत प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए कि ध्यान दिया मैंने, उनको फ़ोटोज़ भेजी। और लेकिन अब एक चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि मेंटेनेंस कार्य ना होने की वजह से तो जो लाइट्स लगी हैं, जो आप नीचे अभी आप वीडियो देखेंगे, मैंने ये आज का ही वीडियो है, दिन से नोट कर रहा था कि लाइट्स नहीं जलती और आसपास सब जगह लाइट्स आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को भी कर देते हैं। पहले सोचा कि ये वीडियो ना बनाए, लेकिन लगा कि आपको भी पता होना चाहिए कि फ्लैग होस्टिंग रात में कैसे होती है और क्यों। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो लाइट्स होती हैं पिलर पे नीचे की तरफ लाइट्स लगी होती हैं, जो सीधा फोकस फ्लैग को देती हैं। तो जब फ्लैग फहरता है, जब हवा चलती है, तो वो एकदम ही आपको शोकेस होगा। तो प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, तो ये लाइट्स नहीं है। तो इस संबंध में मैं आज ही जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एक लेटर लिख दूंगा, और इस पे जहाँ जहाँ फ्लैग्स पे लाइट्स नहीं है प्रॉपर या फ्लैग्स कहीं फट चुके हैं, उसको भी आप वीडियो में मेरे नीचे बता दीजिए। और आप भी अपने, अगर आसपास इस तरह की कुछ दिक्कत है फ्लैग्स को लेके, नेग्लिजेंस हो जाती है, नहीं ध्यान देते हैं बहुत, वो बाय नेचर हमारे अंदर आ चुका है कि हमको अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना, तो ये सब चीज़ें स्किप कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो
नवीन जिंदल जी ने इस चीज़ को किया और मिनिस्ट्री ने कहा कि आप अगर लाइट्स प्रॉपर लगा सकते हैं तो आप पूरा आपको अधिकार है, फ्लैग होस्टिंग रूल्स में आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखिए, इसमें आप ज़रूर देखेंगे कि लाइट्स नहीं चल रही है। इसमें मैंने फ़ोटोज़ कैप्चर की और बगल में वहाँ खड़े होकर व्लॉग करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि कई लोग कई तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ जाते हैं और वो मीडिया कर्मी समझ के अपनी भी बात हम लोग को शेयर कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ अगली बात, और इसमें कोई अपडेट हो, कोई और जानकारी हो फ्लैग होस्टिंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको ज़रूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।